छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा तो 30 किलोमीटर की दूरी से मौजूद है ढोलकाल पर्वत लड़ी। ढोल दे वांग दिखण कारण इसनू ढोलकाल कहा जाता है। इतने करीब 2500 फुट की उचाई से भगवान गणेश की एक दुर्लभ मूर्ति मौजूद है, जिसके उपरले सज्जे हाथ विच कुहाड़ी, खब्बे हाथ विच टुटे दंद ते हेठले सज्जे हाथ विच अभ्या मुद्रा विच अक्षमाला ते खब्बे हाथ विच मोदक है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव से मिलने नंदीराज पर्वत में परशुराम जी आए थे। उस समय गणेश जी पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव से मिलना है, लेकिन गणेश जी ने कहा कि वे अभी तपस्या लीन है और वे अभी किसी से नहीं मिलेंगे। इस बात को लेकर विवाद हुआ और ये बात युद्ध तक पहुंच गई। खास गल यह भी है कि भगवान गणेश की ये दुर्लभ मूर्ति युद्ध करन दे रूप विच रखी गई है। बप्पा इत्थे ललितासन मुद्रा विच बैठे हुए ने। अजिही मूर्ति बस्तर तो इलावा होर किधरे भी मौजूद नहीं है। मुक्ते नाम की एक महिला जो थी इस गणेश की पूजा करती थी, और जब वो शंख की फूकती थी अपने पूजा करने के बाद तो पूरा गांव जागता था। बस्तर दे विशेष माहर हेमंत कश्यप दे अनुसार अजिही कथा प्रचलित है, भगवान गणेश अते परशुराम दा ढोलकाल चोटी ते युद्ध होया सी, जिस विच भगवान गणेश दा एक दंद टुट गया सी। इस तो बाद ही भगवान गणेश नू एक दंत कहा जांदा है। क्या एक मात्र प्रतिमा है जिनके हाथ में अपना टूटा हुआ दांत लिए हुए हैं वो, दूसरा उनके पेट पर एक शेष नाक का होना और एक जनेऊ के बदले एक जंजीर का होना, ये एक विशेषता पैदा करता है कि इस तरह की जो मूर्ति है जो विश्व में एकमात्र मूर्ति है और प्राचीन काल की है। ये दखनी बस्तर दे भोगा कबीले दे आदिवासी परिवार अपने आप नू ढोल कट्टा ढोल काल दी महिला पुजारी नाल संबंध दसदे ने। सब तो पहला भोगा कबीले दी महिला ने ढोल काल पहाड़ ते चढ़ के पूजा पाठ शुरू कीता सी। सवेरे सवेरे इस महिला पुजारी दे शंख दी आवाज पूरे ढोल काल दी चोटी ते गूंजदी सी। अज भी ऐसे महिला दे वारस भगवान गणेश दी पूजा करदे ने। हर साल गर्मी के दिनों में वहाँ 3 दिवसीय फरसपाल का मेला लगता है, जहाँ ढोलकल गणेश की, परशुराम जी की और स्थानीय देवी देवताओं की पूजा होती है। बस्तर दे माहर संजीव पचौरी दासदे ने इस मूर्ति की स्थापना 11वीं सदी विच छिंदक नागवंशी शासका वल्लों की गई थी। भगवान गणेश के हाथ विच मौजूद कुहाड़ी इसकी पुष्टि करती है। भगवान गणेश की मूर्ति इंद्रावती नदी दे ताल तो मिलन वाले पत्थरां तो बनी है। इस मूर्ति नू 2 मीटर वर्ग दे खेतर विच पहाड़ी दे शिखर ते स्थापित कीता गया है। हर साल गर्मियां दे दिनां दौरान इस पहाड़ दे हेठा मौजूद पिंड फरसपाल विच 3 दिनां दा मेला लगदा है। इस दौरान भगवान गणेश, परशुराम ते स्थानक देवी देवतियां दी पूजा आरती कीती जांदी है। खास गल यह भी है कि ढोलकाल पहाड़ दे उपर स्थापित मूर्ति उत्ते कोई गुंबद नहीं बनाया गया। कुदरती तौर ते मौजूद पहाड़ी दे उपर इस मूर्ति दे दर्शन दीदार लई श्रद्धालु 2.5 घंटे दा सफर तय कर 2500 फुट उच्ची पहाड़ी दी चढ़ाई करते ने। छत्तीसगढ़ विच सब तो उच्ची चोटी ते मौजूद भगवान गणेश दी मूर्ति दे दर्शना लई अयोग पहाड़ा ते खड्डा नू पार करना पैंदा है। यही कारण है कि लोग इत्थे बहुत घट आउंदे ने। स्थान ते आस पास के लोग ही पूजा पाठ करते ने। इस स्थान नू होर विकसित करन दी जरूरत है, ता जो वड्डी गिनती विच श्रद्धालु भगवान गणेश दे दर्शन दीदार कर सकन। ETV भारत दी विशेष रिपोर्ट, हैदराबाद।